सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। किसी की आलोचना हम नहीं कर रहे हैं। फिरोज गांधी से शादी हुई थी, फिरोज गांधी के संग गांधी लगा था और सबके संग नेहरू लगा था, लेकिन लगा कि नहीं गांधी वाला माल चल सकता है, नेहरू को लोग छोड़ दिए। अब गांधी टाइटल आज तक चला रहे हैं, लेकिन गांधी टाइटल चला रहे हैं, गांधी के विचार को कांग्रेस ने कितना वर्ष पहले ही छोड़ दिया। आज उनको तकलीफ होती होगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तो गांधी के सारे विचारों को अपना लिया, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कांग्रेस हो या देश की अन्य पार्टियों को कि आज गांधी के विचारों को अपना करके इस देश की जो सच्ची सेवा, स्वच्छता, साफ सफाई, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, विकास, ये सारे मुद्दे इस हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत शान से संपन्न कर रही है। जनता का भी आशीर्वाद है, जनता ने उस समय 282 दिया और जनता ने उसके साथ मिला के अन्य दलों को मिला के 319 का बहुमत दिया। उसके बाद गांधी जी के विचारों का प्रभाव, मोदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव कि देश के अंदर लगातार राज्य दर राज्य हमारे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर विश्वास किया, राजग गठबंधन पर विश्वास किया और भाजपा को 303 एमपी और 50 सहयोगी 353 का बहुमत दिया। राज्यसभा में भी आज बहुमत की परिस्थिति तक हम पहुंच रहे हैं। आज देश के अंदर हम लोगों ने ऐसे कड़े, ऐसे बड़े कदम उठाए हैं, चाहे 370 को हटाना हो, छोटा मोटा विषय नहीं है, 370 को हटाना हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला है। कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, अनेक को अमल कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी अनेक शानदार योजनाएं बना रहे हैं और इतना सक्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लंबे अरसे बाद मिला है। लोग राज्य में 5-5 साल कार्यकाल बिता देते थे लेकिन पूरा राज्य नहीं घूम पाते थे। मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दोहरावन तो खत्म हो गया, अब तेहरावन चल रहा होगा जिलों का, इतना वो जिलों में सीधे जाते हैं। और केंद्र की योजनाओं में जो केंद्र की योजना प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत हो, जहां का 100% भाजपा चुनाव जीतेगी। जो पार्टियां अपना सिंबल नहीं जमा करने की सामर्थ्य है या तत्परता है, उससे अधिक हम चुनाव में मतदाताओं तक दो चक्कर हो चुके हैं, हम 100% चुनाव जीते। एक बात आ रही है कि दीपावली पर खुशखबरी मिलेगी, योगी जी ने कहा, वो खुशखबरी है क्या आपके? अनेक काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी राज्य में कर रहे हैं, अब संत महात्मा भी हैं, उन्होंने कुछ आशीर्वचन कहा है तो अच्छा ही कहा। फिर राम मंदिर है क्या? अनेक अच्छे काम हो, साधु संत है तो राम मंदिर, साधु संत है जो उन्होंने कहा है, समाज की भलाई के अनेक काम वो कर रहे हैं, वो खुशखबरी लगा। राम मंदिर है क्या? मंदिर राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती के दिन से 31 अक्टूबर, पटेल जयंती के दिन तक गांधी संकल्प यात्रा तय किया है। गांधी जी के संदेशों को लेके गांव-गांव कार्यकर्ता योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक लोकसभा में जाएंगे। सांसद, विधायक और सभी पदाधिकारियों को इस यात्रा को संपन्न करना है। उसी क्रम में हमारी लोकसभा में विगत 2 अक्टूबर को गांधी संकल्प यात्रा शिवपुर विधानसभा में शुरू कर दी गई थी। उस दिन मैंने 7 गांवों की पदयात्रा की थी और अब आज मुगलसराय विधानसभा के दुल्हीपुर से यात्रा शुरू हो रही है। कल सैयद राजा में हम शुरू करेंगे वहां की, उसके बाद 18 तारीख के बाद सकलडीहा और अजगरा विधानसभाओं की यात्राएं शुरू होंगी। हम प्रत्येक कार्यकर्ता और हम सब मिलके प्रत्येक लोकसभा में 150 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करेंगे और इसमें गांधी जी के संदेशों को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता से कोई कठिनाइयां होंगी तो गांधी नीति के अनुसार उसे सरकार की, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार तक पहुंचाएंगे। उसी दृष्टि से यह पदयात्रा शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब, कल
कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की विधिवत पूजा की, शस्त्र पूजा के रूप में, और हिंदू धर्म विधान से पूजा पाठ किया, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास सवाल उठाने की अकल का परसेंटेज कम हो गया। वह शस्त्र जो लाया जा रहा है वह भारत की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने की, और भारत सदियों से एक सांस्कृतिक परंपराओं का देश है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा है, और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस दिन के विजय उपलक्ष्य के साथ साथ बुराइयों पर अच्छाई की जीत के साथ साथ, असत्य पर सत्य की जीत के साथ साथ, लोग अपने रक्षा का और अपने समाज देश की मजबूती का संकल्प लेते हैं, और इस मजबूती के लिए अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना सबसे परम आवश्यक होता है। दुनिया जान रही है कि राफेल आज के युग का वायुसेना का सबसे सशक्त मारक विमान है, तो उसकी पूजा करके लाना, भारतवासियों का मनोबल बढ़ाना, ये राजनाथ सिंह ने, भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत श्रेष्ठ और बहादुरी का काम किया है। इसको उस रूप में भी सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को, और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।